शुरू। माननीय मंत्री महोदय, मनरेगा अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजना है, पूर्ण विराम। इससे पिछड़े राज्यों के गरीब मजदूरों को काफी राहत मिली है, पूर्ण विराम। इससे उन्हें अपने गांव में ही कुछ काम मिल जाता है, पूर्ण विराम। सभी राज्यों में इसमें मजदूरी एक जैसी नहीं है, क्योंकि पिछड़े राज्य अपने हिस्से का अनुपात वहन करने में असमर्थ है, पूर्ण विराम। अगर गांव में इस योजना के तहत गली, नाले और अन्य मूलभूत सुविधाएं भी शामिल की जाती है, तो इससे मनरेगा की विशेषता और अधिक बढ़ जाएगी और अधिक गांव के सार्थक विकास के लिए सरकार एक सार्थक दिशा में आगे बढ़ पाएगी, पूर्ण विराम। इस योजना में मशीन के उपयोग पर भी विचार होना चाहिए, पूर्ण विराम। आप मजदूरों के भुगतान में काफी सुधार हुआ है, किंतु अभी भी उसके भुगतान में काफी धांधली हो रही है, पूर्ण विराम। ठेकेदारों और दलालों द्वारा उनकी हाजिरियों में भी घपला होता है, पूर्ण विराम। इसके अंतर्गत रोजगार की गारंटी प्रतिवर्ष कम से कम 250 से 300 दिनों की होनी चाहिए, पूर्ण विराम। मनरेगा में निगरानी तंत्र को मजबूत करने की दिशा जरूरत है, पूर्ण विराम। साथ ही साथ इस योजना में गरीब मजदूरों और खासकर पहाड़ी क्षेत्र के मजदूरों को जैविक खाद बनाने की सुविधा दी जानी चाहिए, जिससे वे काम न मिलने की स्थिति में भी जीविकोपार्जन कर सके, पूर्ण विराम। पैरा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की संकल्पना यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में की थी और इसकी शुरुआत से ही गांव में रहने वाले विशेषकर गरीब, भूमिहीन और बेरोजगार लोगों का जीवन बदल गया, पूर्ण विराम। मनरेगा योजना पंचायती राज योजना के अनुरूप है, क्योंकि मनरेगा की स्थानीय योजना में कतिपय निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन ग्राम पंचायत करती है, पूर्ण विराम। इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं हैं, पूर्ण विराम। इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस योजना की सोशल ऑडिट के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की गई है, पूर्ण विराम। इस अधिनियम के अंतर्गत जल संरक्षण और संचयन सूखे की स्थिति से निजात पाना तथा सिंचाई नहर निर्माण कार्य, पारंपरिक जल निकायों का पुनरुद्धार, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण तथा संपर्क मार्ग जैसे कार्यों को किया
जाता है पूर्ण विराम। आवंटन के बावजूद सरकार ने मनरेगा हेतु निधि जारी करने पर धीरे धीरे कम कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप इन गरीब लोगों को अनेक दिनों तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्रणविराम मनरेगा की शुरुआत से ही भारत में कम वजन के बच्चों की संख्या में वर्ष 2005 में 43.7 की तुलना में वर्ष 2014 में 30% की गिरावट दर्ज की गई है। पूर्णविराम मनरेगा मूल से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई एक सामाजिक सुरक्षा है। संपूर्ण विराम।